डेरा सच्चा सौदा दे मुखी गुरमीत राम रहीम जेल तो वार वार पैरोल उत्ते रिहा हो के बाहर आ रहे ने। उन्हां नूं मिल रही इस पैरोल उत्ते जिथे सियासी आगुआं विचाले शब्दी जंग चल रही है, उत्थे ही सब दे विचकार सवाल उठ रहे ने कि आखिर डेरा मुखी नूं वार वार पैरोल किवें मिल जाती है। अज इस खबर राही जिथे असी पैरोल बारे खुल के जानकारी सांझी करांगे, उत्थे ही गल करांगे पैरोल दौरान राम रहीम वल्लों कीतियां जा रही जन सभावां दी वी। आखिर कोई कैदी जेल तो बाहर आ लोगों नूं शरेआम किवें संबोधन कर सकता है। पैरोल बारे गल करदिआं सब तो पहला दस दईए कि पैरोल अपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पैरोल किसी भी हवालाती जां कैदी नूं उसे चंगे वर्ताव नूं ध्यान विच रखदे हुए सज़ा की समाप्ति तो पहला दित्ती जांदी है। पैरोल मिलण उत्ते किसी भी व्यक्ति नूं अस्थाई तौर पर कुछ समय लई जेल तो रिहा कर दिता जांदा है। आओ इस दे नाल ही तुहानूं दसदे हां कि आखिर की है पैरोल। पैरोल एक अस्थाई राहत है जो किसी कैदी नूं चंगे आचरण की शर्त उत्ते दित्ती जांदी है। पैरोल का मकसद लंबी सज़ा अधीन जेलां च बंद कैदियों नूं परिवार ते समाज नाल जोड़ी रखना है। पैरोल दीआं शर्तां सज़ा अते दोष उत्ते आधारित हुंदियां ने। आम तौर उत्ते पैरोल एक निर्धारित समय लई दित्ती जांदी है, पर कई मामलों विच कैदी अपनी सज़ा का समा पूरा होण तों पहलां ही बाहर आ जांदा है ते बची सज़ा जेल तो बाहर ही पुलिस निगरानी हेठ कटदा है। इस दे नाल ही दस दईए कि पैरोल दीआं भी दो कैटेगरीज़ हुंदियां ने, जिन्हां चों एक है कस्टडी पैरोल। कस्टडी पैरोल सिर्फ 6 घंटिआं लई गंभीर स्थिति विच दित्ती जांदी है। किसी परिवारक मैंबर की मौत, करीबी जां अपने दा विआह, परिवार च किसी दे गंभीर रूप विच बीमार होण दी सूरत विच जां डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस जां डिविजनल कमिश्नर की इजाजत नाल कस्टडी पैरोल ली जा सकती है। अंडर ट्रायल व्यक्ति जो जेल विच बंद होवे वह भी कस्टडी पैरोल दे लई अप्लाई कर सकता है। पैरोल जेल सुपरडेंट वल्लों लिखती रूप विच जारी की जाती है। कस्टडी पैरोल दौरान पुलिस लगातार नाल रहिंदी है ते कैदी की हर एक गतिविधि उत्ते सख्त निगरानी रखी जाती है। कस्टडी पैरोल दे नाल ही हुण गल कर लैने आ दूजी कैटेगरी भाव रैगूलर पैरोल की। इस तरह रैगूलर पैरोल भी शर्तों उत्ते निर्भर करती है, पर इस विच कैदी एक तो वध समय लई बाहर रह सकता है। सज़ा याफ्ता कैदी साल विच कुल किन्ने समय तक जेल तो बाहर रह सकते ने, यह समा हर सूबे का वक्खो वक्खरा है। लंबी सज़ा अधीन कैदियों नूं उनां दे रवैये दे आधार उत्ते रैगूलर पैरोल दित्ती जांदी है तां जो ओह समाज नाल जुड़े रहन ते सज़ा मुकम्मल होण तो बाद आम वर्गा जीवन बतीत कर सकन। पैरोल दीआं दोवें कैटेगरीज़ दे नाल ही तुहानूं दसदे हां कि की हर एक कैदी नूं मिल सकती है पैरोल। भारत विच प्रिजनर्स जेल एक्ट 1894 ते प्रिजनर्स एक्ट 1900 तहत जेल नियम ते कानून लागू होंदे ने। प्रिजनर्स जेल एक्ट 1894 दा सैक्शन 59 अधीन जेलां दे प्रबंधन दी जिम्मेवारी सूबा सरकारां नूं दित्ती गई है। दरअसल जेलां संविधान दी 7वीं अनुसूची दी राज सूची दे अधीन आउंदियां ने, इसलिए सूबा सरकारां जेलां दे नियम लई कानून बना सकती है। इत्थे तुहाडे मन विच भी एक सवाल आउंदा होवेगा कि आखिर पैरोल अप्लाई करन दा तरीका की है। पैरोल लई अर्जी कैदी वल्लों जेल सुपरडेंट नूं दायर कीती जांदी है। यह अर्जी कैदी दे परिवारक मैंबर, रिश्तेदार, दोस्त जां वकील किसे वल्लों भी दायर कीती जा सकती है। अर्जी विच पैरोल लई अप्लाई करन दे कारणां दे नाल नाल आम जानकारी जिवें कि कैदी दा पक्का पता, परिवार दे वेरवे ते अर्जीकर्ता दा उस नाल संबंध आदि देना लाजमी है। इस दे नाल ही कैदी बाहर जाके किस पते उत्ते रहेगा यह भी स्पष्ट किया जाता है। जेल सुपरडेंट वल्लों अर्जी नूं पैरोल रजिस्टर विच दर्ज किया जाता है ते एक जुबानी इंटरव्यू विच अर्जीकर्ता वल्लों लिखी जानकारी की पुष्टि की जाती है। अप्लाई करन दे इस तरीके नाल ही दस दईए कि पैरोल लई कुछ शर्तां भी हुंदियां ने जिन्हां की पालना करना बेहद लाजमी हुंदा है। आओ तुहानूं दसदे हाँ कि वह शर्तां की हन। रैगूलर पैरोल अप्लाई करन वाले व्यक्ति नूं घट्टो घट एक साल जेल विच बिताया होवे, सज़ा दौरान उसका आचरण चंगा रहा होवे। कैदी जो कदे पहला पैरोल ते बाहर रहा होवे तां किसे भी किस्म की गैरकानूनी कार्रवाई विच ना पिया होवे। पैरोल उत्ते बाहर जाण तों बाद भी कुछ शर्तां जिवें कि इजाजत तों बिना लिखती रूप विच दसे गए निर्धारित इलाके तों बाहर ना जाना,
किसी किस्म के नशे जां शराब का इस्तेमाल ना करना, पैरोल अफसर नूं समय समय रिपोर्ट करते रहना, किसी किस्म की गैर कानूनी गतिविधि विच ना पैना, अपने वल्लों किए गए अपराध के किसी भी पीड़ित नाल राबता ना करना। पैरोल दौरान तुसीं किसी अजिहे इलाके विच नहीं रह सकते जिथे चोणां होण वालियां होण जां हो रही होण। निर्धारित समय तो वध समा बाहर रहण उत्ते सज़ा की तजवीज़ है। इस दे नाल ही एक होर सवाल का जवाब भी दे दिंदे हाँ कि की पैरोल एक हक है। पैरोल किसी अपराध अधीन सज़ा कट रहे कैदियों नूं समाजिक जिंदगी विच परतन दा दिता गया एक मौका है। भारत विच पैरोल की सुविधा तो है पर यह अधिकार वजों मौजूद नहीं है। भारत का कानून पैरोल की पक्की गारंटी नहीं भरता। यह एक खास लाभ है जो उन्हां कैदियों नूं दिता जांदा है जिन्हां की सज़ा का समा मुकम्मल होने तो बाद समाज विच मुड़ वसेबे दीआं चंगीआं संभावनावां होण। पैरोल बारे जानकारी हासिल करते हुए तुसीं भी यह जानने लई काले जरूर होवोगे कि आखिर जबर जनाह ते कतल दे मामले विच उम्र कैद की सज़ा कट रहे डेरा सिरसा दे मुखी राम रहीम नूं मिली पैरोल दौरान वो किवें जनतक तौर पर लोगों नूं संबोधन कर रहे हैं, जिस कारण हुण पंजाब ही नहीं सगों हरियाणा ते दिल्ली दीआं सियासी पार्टियां भी सरकारां उत्ते सवाल खड़े कर रही ने। अजिहे विचकार हुण तुहानूं दसदे हाँ कि की पैरोल दौरान बाहर होण उत्ते किसी इकट्ठ नूं संबोधन किया जा सकता है। पिछले दिनी बलात्कार मामले विच सज़ा कट रहे डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम, जो कि 15 अक्टूबर नूं 40 दिनां दी पैरोल उत्ते बाहर आए सन, वल्लों एक आनलाइन सत्संग किया गया जिस नूं लैके पैरोल दौरान इकट्ठ नूं संबोधन करन जां लोकां नूं मिलन संबंधी सवाल खड़े किए। लोकां नूं मिलना जां किसे इकट्ठ नूं संबोधन करना उस हालत विच संभव है जदों पैरोल लई रखियां गईयां शर्तां विच इस सब उत्ते रोक ना लगाई गई होवे। अजिही स्थिति विच पैरोल उत्ते भेजन तों पहलां इह शर्त रखी जांदी है कि वह निर्धारित लोकां तों इलावा किसे बाहरी व्यक्ति नूं ना मिले जां किसे इकट्ठ विच ना जावे। पर आम तौर पर जदों दोष निर्धारित हो चुका होवे ते कोई व्यक्ति सज़ा अधीन ही जेल विच रह रहा होवे उस उत्ते अजिही शर्त नहीं रखी जाती। ये सब फैसले मामला दर मामला ले जाते हैं। सो यही वो कारण हैं जिन्हां दी वजह नाल ना सिर्फ डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम जेल तो बाहर आ रहे ने, सगों आनलाइन सत्संग राही लोगों नाल जुड़ उन्हां नूं प्रवचन भी दे रहे ने। इन्ना ही नहीं, राम रहीम नूं इस बार मिली पैरोल दौरान उस वल्लों रिलीज़ किया गया गीत भी तुसीं सुन ही लिया होगा। खैर, आखिर विच तुहानूं ये जानकारी किवें दी लगी सानूं कमेंट करके जरूर दसो ते राम रहीम नूं मिल रही पैरोल उत्ते अपनी प्रतिक्रिया भी सांझी करो। इस दे नाल ही मैनूं दिओ इजाज़त। इस तरह की होर जानकारी लई जुड़े रहो जगबाणी टीवी दे नाल। ब्यूरो रिपोर्ट, जगबाणी टीवी, पंजाब।